हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी में। दोस्तों, उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और साथ में आपकी जो लाइफ है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तो बाकी सब भी अच्छा ही होगा। चलिए गाइस, हमेशा की तरह वही करने वाले हैं। सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे आपको पता है आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन होता है, जिसके अंदर हम काफी कुछ ऐसा सीखते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा की तरह आज भी वही करेंगे। सबसे पहले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने कल आपको दिए थे, जिसमें एक छोटी सी मिस्टेक भी थी, यानी कि जो कैपिटल था उसकी जगह करेंसी आना चाहिए था 9th वाले क्वेश्चन के अंदर, उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बाकी सब भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कल मैंने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था, डब्ल्यूसीडी मिनिस्टर कौन है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर के बारे में पूछा था, क्योंकि वो चाइल्ड हेल्पलाइन और उससे रिलेटेड कल हमने बात करी थी। तो यहां पर आंसर क्या होगा? मेनका गांधी यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा, बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल था, ठीक है, कि जो कंट्री है उसकी कैपिटल क्या है? कंबाला है, करेंसी शिलिंग है, तो उसका देश का नाम क्या है? तो देखिए, ये सेम क्वेश्चन 9th वाला था, मतलब वैसे बस थोड़ा सा घुमा के दिया था। ओके, तो युगांडा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। करंट स्पोर्ट्स मिनिस्टर आपसे पूछा था, वर्तमान खेल मंत्री जो कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ होंगे, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है कि लुइस हैमिल्टन, जिन्होंने जर्मन ग्रैंड प्रिक्स 2018 जीती है, वो कौन से देश से बिलोंग करते हैं? तो लुइस हैमिल्टन की बात करें तो ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो चेयरमैन तो होते हैं प्रधानमंत्री, वाइस चेयरमैन है कौन अभी? राजीव कुमार। तो आपका आंसर क्या होगा? बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, गांधी हेरिटेज सेंटर कहां पे ओपन किया जा रहा है? तो हमने पढ़ा था कि गांधी हेरिटेज सेंटर युगांडा में ओपन किया जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद अगला सवाल है कि वर्ल्ड कप गोल ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड 2018 का किसने जीता है? तो हम मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि बेंजामिन पॉरेट करके पर्सन है, उन्होंने ये अवार्ड जीता है, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, बेंजामिन। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ISL कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? ISL है इंडियन सुपर लीग, जो कि फुटबॉल की लीग है, जैसे कि क्रिकेट में IPL होता है, वैसे यहां पे ISL होता है, तो जॉन ग्रिगोरी आपका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है, कैपिटल की जगह यहां पे आना चाहिए था करेंसी ऑफ युगांडा, ठीक है, तो थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक थी, तो करेंसी आना था, तो आंसर क्या होगा? शिलिंग इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, शिलिंग, यानी कि बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल था कि 10वां ब्रिक्स समिट 2018 कहां पे हुआ है? तो ये आपको इसके बारे में बात करें तो ये जोहान्सबर्ग इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे आपके 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि कल हमने डिस्कस करे थे। ओके, और साथ में मुझे पता है गाइस, थोड़ी बहुत आपको साउंड में भी प्रॉब्लम आ रही होगी, 2-4 दिन एडजस्ट कर लो, 2-4 दिन के अंदर अपन इसको सही कर लेंगे, ठीक है, ये जो साउंड की प्रॉब्लम आ रही है उसको भी 2-4 दिन का टाइम दे दो, उसके बाद अपन इसको भी रिजॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन की तरफ। देखिए, सक्सेस ऑलवेज हग्स यू इन प्राइवेट बट फेलियर ऑलवेज स्लैप यू इन द पब्लिक, दैट्स लाइफ। सिंपल सी बात है कि सक्सेस जो है वो हमेशा प्राइवेट में मिलती है, किसी को नजर नहीं आती है और कोई आपकी तारीफ भी नहीं करेगा, लेकिन जो फेलियर होता है, जो गलतियां होती है, उसके अंदर पब्लिक के अंदर लोग चाटा मारते हैं। ये सिंपल सी बात है जो कि हमेशा आपको अपनी लाइफ में गुजरना हुआ, कभी भी पेपर नहीं निकलता है अपना, पेपर में मार्क्स कम आते हैं तो 10 लोग हैं जो कि क्रिटिक करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं या फिर आप 2-4 नंबर से रह जाते हो तो वो भी अपने आप में एक बहुत एप्रिसिएशन वाली चीज होती है, लेकिन कोई इसको एप्रिशिएट नहीं करता है। तो ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि क्रिटिक जो होता है, क्रिटिसिज्म जो होता है, उससे कभी भी डिमोरलाइज नहीं होना है, कभी भी नीचे फील नहीं करना है, क्योंकि हमेशा, ठीक है, हमेशा जब आप कुछ भी अच्छा करेंगे तो क्रिटिक तो लोग करेंगे, लेकिन उससे आपके एम पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जी तोड़ करिए, पेपर निकलेगा, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं निकलेगा जरूर, अगर लगे रहेंगे तो, और नहीं भी निकलेगा तो आपको इतनी इमेंस नॉलेज मिलेगी जो कि आपको जीवन में बहुत ही ज्यादा ऊपर लेके जाएगी। चलिए गाइस, उम्मीद है कि आप इसको फॉलो करेंगे। चलते हैं फर्स्ट पेज की तरफ। फर्स्ट पेज पे जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो आपको मैंने बताया था 2-3 दिन पहले भी, इलेक्शन होने से पहले मैंने, ठीक है, आपको एक प्रेडिक्शन दी थी कि जो पार्टी है इमरान खान की वो वहां पे लीड करेगी PTI और इमरान खान वहां के PM बन सकते हैं, तो वही हुआ फाइनली। यहां पे देख सकते हैं इमरान खान ने तो डिक्लेयर भी कर दी है विक्ट्री पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर, ठीक है। तो इमरान खान, ये देखिए आपके सामने, आपने काफी फेमस क्रिकेटर रहे हैं, ये 1983 के वर्ल्ड कप के टाइम की बात है, मतलब इंडिया जब कराची खेलने गई थी तब की बात है, फिर ये इंडिया आए थे राहुल द्रविड़ सचिन के साथ,
पीएम मोदी से मिले 2003 के अंदर, और फिर फाइनली 2012 में इन्होंने यूएस के ड्रोन के स्ट्राइक के अगेंस्ट इन्होंने काम किया। तो देखिए, ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी है, उससे पास आउट है, इंग्लैंड में रहा करते थे। उसके बाद में 18-19 साल के अंदर पाकिस्तान के क्रिकेट में क्रिकेट टीम से खेलने लगे। उसके बाद में आपको बताया 1992 का वर्ल्ड कप भी जितवाया पाकिस्तान को, जो कि एकमात्र पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जीता हुआ है। इसके बाद में उन्होंने पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए और नवाज शरीफ ही इनको पॉलिटिक्स में लेके आए थे, इनवाइट किया था उनकी पार्टी ज्वाइन करने को, लेकिन अब उन्हीं को ही बाहर निकाल के, ठीक है, वो तो बाहर जा चुके हैं, वो तो वैसे ही जेल में, और अब ये पीएम बनने वाले हैं। तो होपफुली कि कुछ अच्छा ज़रूर होगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन देखिए बात, अगर मैं फैक्ट आपको बताऊं कि अगर देश के इंडिया को अब ऐसा लग रहा है कि एक क्रिकेटर अगर एक पॉलिटिशियन से अगर पीएम बन रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कश्मीर को लेके या बाकी चीज़ों को लेकर रिजॉल्व होगी या चीज़ें बहुत बेहतर होने वाली है। लेकिन अगर किसी को ऐसा लगता है तो ये भी एक गलत फहमी है, क्योंकि वापस जो इमरान खान जो अभी पीएम बन रहे हैं ना, वो वहाँ की अगर आप थोड़ी इन डेप्थ में पढ़ाई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री का अंदर इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है जो पीएम बना रही है। तो कुल मिला के जो वहाँ की जो मेजर रोल प्ले कर रही है ना, वो अभी भी मिलिट्री ही कर रही है। तो ये जो मिलिटेंसी का जो रोल है, वो वहाँ के, अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूँ ना, तो पॉलिटिक्स का कम और मिलिट्री का ज़्यादा रोल होता है, और मिलिट्री ही वहाँ पर किंग मेकर होती है। तो अभी भी किंग मेकर वही है, और मिलिट्री जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। तो अगर मिलिट्री चाहेगी कि वहाँ पे इंसर्जेंसी खत्म हो, टेररिज्म खत्म हो, तभी ये हो पाएगा, और इतने साल से तो मिलिट्री ने चाहा नहीं। तो अगर अभी इतने जल्दी ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई चेंजेस आ जाएंगे। ओके, तो ये जो उम्मीद है ये थोड़ी सी कम है कि जो बॉर्डर के ऊपर अपने जो जिस तरीके से माहौल बना हुआ है वो कम होगा, ठीक है। हालांकि ये ज़रूर हो सकता है कि 2-3 मीटिंग्स आगे बढ़े, बायलेटरल एग्रीमेंट्स आगे बढ़े, लेकिन जो ये कश्मीर वाला इशू है, जो शांति है, अमन है, उसको लेकर कितना आगे होगा ये तो वक्त ही बताएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहली और सबसे बड़ी न्यूज़ थी अपने फ्रंट पेज की, आज की द हिंदू की। इसके अलावा यहाँ पे वेस्ट बंगाल ने अपना नाम चेंज करके बांग्ला कर लिया है। काफ़ी टाइम से ममता बनर्जी पीछे पड़ी हुई है वेस्ट बंगाल के नाम बदलने को लेकर, और फाइनली उन्होंने पास कर दिया है अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बांग्ला को लेकर। ओके, इसके अलावा कल आपको पता होना चाहिए कि कल था अपने 26 तारीख और 26 जुलाई हमारा होता है कारगिल दिवस, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। साथ में रमन मैक्सेसे अवार्ड, हमारे दो भारतीय लोगों को, एक तो आपने 3 डेट में देखा था ना, वुनचुक वागडू वाले जो रोल था आमिर खान का, ठीक है, तो वो जो रोल वाला, ठीक है, फुनसुक वागड़े ऐसा कुछ नाम था आमिर खान का जो रोल था, तो वो जो रोल था ना उसके जो रियल कैरेक्टर है उनको ये अवार्ड मिला है एक तो। तो इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। मैक्सेसे अवार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, एशिया का नोबेल अवार्ड इसे कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रंट पेज के ऊपर आज आपके लिए काफ़ी न्यूज़ है जो कि एग्जाम से इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर ऐसा होता है कि 6 दिन में से 5 दिन या 4 दिन तो फ्रंट पेज पर कुछ ऐसा होता ही नहीं है। चलिए सबसे पहले वेस्ट बंगाल के बारे में पढ़ लेते हैं। वेस्ट बंगाल ने अपना नाम रीनेम करके बांग्ला कर लिया है, असेंबली ने इसको पास भी कर लिया है, ठीक है। तो एक्चुअली वो क्या चाह रहा है, 3 लैंग्वेजेस के अंदर अपना नाम जो है उसने चेंज किया था, बंगाली के अंदर, एक इंग्लिश के अंदर और एक हिंदी के अंदर, और 2016 के अंदर प्रपोज भी किया था, रेजोल्यूशन भी पास कर लिया था कि हम बंगाल तो बोलेंगे इंग्लिश में, बांग्ला बोलेंगे बंगाली में, और बंगाल बोलेंगे हिंदी के अंदर। तो सेंटर ने कहा कि यार आप एक ही नाम रख लो ना, मतलब ये 3-3 नाम से बड़ा कन्फ्यूजन पैदा होगा, 3-3 नाम अलग अलग लैंग्वेजेस में होने में बड़ा दिक्कत है, तो आप एक नाम रखिए तो चीज़ें आगे बढ़ेगी। तो वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर है चटर्जी, ठीक है, तो उन्होंने मूव किया रेजोल्यूशन और वहाँ पे इजीली वहाँ पे पास ऑन भी हो गया। ओके, तो अब वहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि जो आप वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं अब वो बांग्ला के नाम से होगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। रिमेम्बरिंग द मार्टियर्स, तो आपको पता ही कि हमारे देश में किसान और जवान ये दो ऐसे लोग हैं जिसके वजह से पूरा देश टिका हुआ है 50 साल पहले भी और आज भी और आने वाले 50 साल के बाद में भी, इन दो शोल्डर के ऊपर ही अपना देश टिका रहेगा। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, पीएम मोदी ने यहाँ पे होमेज दिया है, जो होमेज का मतलब होता है श्रद्धा देना मार्टियर को कारगिल वॉर के ओकेजन के ऊपर, विजय दिवस के ऊपर, ठीक है। तो विजय दिवस अपन मनाते हैं जब अपन ने कारगिल वॉर जीती थी, आप सभी को मालूम है, ठीक है। ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, सब जगह पे इसको कवर किया गया है। ओके, 26 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं, 19वें एनिवर्सरी थी अपने कारगिल विजय दिवस की, जो ऑपरेशन विजय हमने किया था जिसमें हमारे सोल्जर्स ने सेक्रीफाइसेस करके अपनी जान, अपने कश्मीर का जो एकमात्र रूट है जेएनके से लद्दाख जो जाता है ना रास्ता, तो अगर आप जेएनके से लद्दाख जाएंगे तो इस तरीके से एक रोड है जो कि कनेक्ट करती है, ठीक है। अब ये रोड में क्या है, बीच में कारगिल पड़ता है। ओके, पहले द्रास आएगा, फिर कारगिल आएगा इस तरीके से, फिर आपके ले सिटी आएगी, फिर आगे घूम के जाओगे तो फिर आपके मनाली हिमाचल प्रदेश आ जाएगा,
ठीक है, किलोंग विलोंग वो सब आ जाएगा, फिर उसके नीचे मनाली रोहतांग, फिर मनाली, इस तरीके से यहां पे ऐसे नीचे की तरफ श्रीनगर आ जाएगा। तो इस तरीके से एक ही रोड है। तो पाकिस्तान ने क्या सोचा कि हम इस रोड को काट देते हैं, कारगिल पे कब्जा कर लेते हैं, तो ये वाला कश्मीर और ये वाला कश्मीर कट जाएगा, उसके बाद में हमारे लिए इजी हो जाएगा कश्मीर को कैप्चर करना। लेकिन ये उनकी गलत फहमी थी, चाइना ने भी काफी सपोर्ट किया था, और चाइना ने बोला अगर मैं इनसाइड स्टोरीज की बात करूं तो चाइना का भी ये रोल था कि अगर आप इसको काफी टाइम तक 2-3 महीने तक काट के रखते हो ना, तो फिर हम आपकी मदद कर देंगे इधर वाले एरिया को कैप्चर करने को लेकर। लेकिन जब उनकी जो पूरी उम्मीदों पे पानी फिर गया, जब जिस तरीके से भारत नीचे था वो चट्टानों के ऊपर थे, उसके बाद में भी लक्ष्य मूवी आपने देखी होगी ना, लक्ष्य मूवी के अंदर काफी चीजें जो है वो फरहान अख्तर ने डिपिक्ट करी है कारगिल वॉर की, तो किस तरीके से ऊपर चढ़ के आर्मी ने अपने जवानों ने किस तरीके से विजय पाई थी, वो सब चीजें वहां पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो सफेद सागर एयरफोर्स का भी ऑपरेशन था उसके अंदर, ऑपरेशन सफेद सागर नाम से। ठीक है, तो ये भी एयरफोर्स का सक्सेसफुल था जो कि ऑपरेशन था जो कि कारगिल वॉर में चलाया गया था। कई हमारे जवानों को परमवीर चक्र से नवाजा गया जो कि अपना हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड है। ठीक है, जो कि वॉर टाइम के अंदर दिया जाता है, जो कि अभी तक 21 लोगों को मिला है। विक्रम बत्रा के नाम भी आपने सुना होगा, विक्रम बत्रा पे मूवी भी आने वाली है और उनके भी बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था इसके अंदर। इसके अलावा अमित भारद्वाज हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं जिन्होंने अपने जवान हैं जिन्होंने अपने लाइफ सेक्रीफाइसेस करी। देखिए गाइज, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप डिफेंस का पेपर दें तो आपको पता होना चाहिए दो तरीके के अवार्ड्स होते हैं अपने, एक तो वॉर टाइम अवार्ड होता है और एक पीस टाइम का अवार्ड होता है। ठीक है, तो वॉर टाइम के अवार्ड की अगर मैं बात करूं तो एक होता है परमवीर चक्र जो कि सबसे बड़ा अवार्ड होता है, उसके बाद आता है महावीर चक्र, उसके बाद आता है आपका वीर चक्र। वैसे ही पीस टाइम पे, ये तो देखिए वॉर के टाइम पे दिया जाने वाला अवार्ड जब आप अपनी वैलोर और जो गैलेंट्री आप शो करते हैं, वैसे पीस टाइम में भी होता है, जब पीस टाइम में लेकिन आपने कोई बड़ा काम किया है तो अशोक चक्र होता है, उसके नीचे फिर कीर्ति चक्र होता है, फिर शौर्य होता है। ठीक है, ये सब दिए जाते हैं पीस टाइम के अंदर। इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो भी बना रखा है, आपसे 2 साल पहले बनाया था, अवार्ड्स अगर आप डालेंगे ना, अवार्ड्स ऑफ इंडिया वाईफाई स्टडी ऐसे कुछ करके, तो आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें देश के जितने भी अवार्ड हैं, चाहे वो लिटरेचर के हो, चाहे वो फिल्म के हो, चाहे वो अपने मिलिट्री के हो, ठीक है, चाहे वो स्पोर्ट्स के हो, कैस जितने भी अवार्ड्स हैं, सारे के सारे अवार्ड्स मैंने उस वीडियो में दे रखे हैं, तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको काफी मजा आएगा वो वीडियो देखने के बाद। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कई सारे मेडल भी देती है आर्मी, जैसे कि सेना मेडल आर्मी के लिए मिलता है, नौसेना मेडल होता है, वायुसेना मेडल होता है। वैसे वॉर टाइम में जब आपकी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस होती है तो उसके अंदर सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल भी होता है, उसके नीचे उत्तम युद्ध सेवा मेडल भी होता है, फिर युद्ध सेवा मेडल भी होता है, इस तरीके से। ओके, तो ये सारे के सारे हैं जिसमें मेजरली आपको ये दो ध्यान रख लीजिए, वॉर टाइम के और पीस टाइम के, तो ये हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं तीसरे न्यूज के ऊपर जो कि है मैक्सेसे फॉर 3 इडियट न्यूज। देखिए सोनम वांगचुक है जिनका रोल था ना, ठीक है, तो आमिर खान ने प्ले किया था 3 इडियट्स के अंदर, तो सेम लद्दाख के अंदर इन्होंने क्या वाटर कंजर्वेशन किया है वहां पे, जब ये NIT श्रीनगर के अंदर पढ़ा करते थे उसके बाद से इन्होंने एजुकेशन को प्रमोट किया, वहां के बच्चों को पढ़ाया। ओके, तो वहां के बच्चों को काफी एजुकेट किया और वहां पे पानी की प्रॉब्लम थी तो उन्होंने वहां पे, ठीक है, ग्लेशियर्स को मतलब के पानी को उन्होंने कंजर्व करने के लिए वो बना दिए, जैसे अपना, ठीक है, स्तूपा जो होते हैं जैसे कि बुद्धिज्म के अंदर, तो इस तरीके के स्तूपा क्रिएट कर दिए जिसके अंदर मिलियंस ऑफ गैलन पानी कंजर्व होता है। ओके, तो इस तरीके के उन्होंने इनिशिएटिव करे हैं। तो अगर आप लद्दाख जाएंगे कभी अगर, तो वहां पे आपको पैंगोंग लेक से पहले आपको एक रास्ता कटता है अंदर की तरफ, वहां जाके आपको वो स्कूल मिलता है जो कि आमिर खान ने लास्ट में जब दिखाते ना 3 डेट मूवी के अंदर, वो स्कूल है, वो एक्चुअली में स्कूल है वो, ठीक है। तो वहां पे उसका नाम भी अब काफी फेमस हो गया है मूवी के बाद, तो काफी लोग जाते हैं वहां पे, ठीक है। तो एक तो मिला है इनको सोनम को, और दूसरा जो मिला है वो साइकेट्रिस्ट है, उनका नाम है भारत वतवानी जो स्ट्रीट पे जो मेंटली बच्चे जो हैं जो कि फिट नहीं होते हैं मुंबई के अंदर, उनको मदद करते हैं, ठीक है। तो उनके काम को लेकर इन दोनों को मिला गया है, ये अवार्ड मिला है। रमन मैक्सेसे की बात करें तो फिलीपींस का अवार्ड है, वहां के PM हुआ करते थे, तो उनके नाम पे ये अवार्ड रखा गया है, ठीक है, जो फिलीपींस के रमन मैक्सेसे, तो काफी पुराना 1958 में फर्स्ट अवार्ड दिया गया था, सबसे पहले मिला था भारत के। अगर कई लोगों को ये अवार्ड मिल चुका है, बात करूं तो एशिया का नोबेल अवार्ड के नाम पे जाना जाता है, सबसे पहले अपने जो विनोबा भावे जी हैं उनको मिला था, उसके बाद में और भी अपने जयप्रकाश नारायण है, अपने केजरीवाल जी है, किरण बेदी जी है, तो काफी लोगों को अपने अवार्ड मिला है और बहुत बड़ी बात है। जो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन करता है गवर्नमेंट सर्विस के अंदर उसको मिलता है, जैसे कि किरण बेदी जी, तिहाड़ जेल के अंदर किरण बेदी जी ने जिस तरीके से रिवोल्यूशन लेके आई थी, वो विपसना करा के वहां पे, ठीक है,
ओके तो उस तरीके से उनके वजह से उनको ये आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड मिला। पब्लिक सर्विस के अंदर मिलता है जो कि केजरीवाल जी को मिला, जो उनके अंदर काफी काम किए हैं। वैसे लीडरशिप केजरीवाल जी को आई गेस लीडरशिप के लिए मिला था। ओके वैसे ही जर्नलिज्म है, लिटरेचर है, क्रिएटिव आर्ट्स है, पीस, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इमिनेंट लीडरशिप, इस तरीके से कई सारी कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड मिलता है। ठीक है, ऑल नेशंस इन एशिया, तो जितने भी एशिया के अंदर नेशंस है उन लोगों को मिलता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए पेज नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे वेस्ट बंगाल असेंबली ने पास करा है लोकायुक्त बिल। तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको बताया कि फटकार लगाई थी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और सभी राज्य को जिन्होंने इसको पास नहीं किया अभी। तो वेस्ट बंगाल ने लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल 2018 वहां पे पास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ही था कि मार्च के अंदर कि 11 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अभी तक इसको पास नहीं किया है, कोई वहां पे लोकायुक्त नहीं बना है। तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए उन्होंने काफी बोला भी था और रिसेंटली वेस्ट बंगाल ने इसको पास कर दिया है। ठीक है, तो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट अगर आपसे पूछा जाए पेपर में तो 2013 है। तो ये पेपर में आता है कि लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट कब फोर्स किया गया था, एनफोर्स हुआ था, तो ये 2013 के अंदर हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ, पेज नंबर 10 की तरफ चलते हैं, जहां पे बात करें तो एक नया लोकसभा में बिल पास हुआ है जो कि एंटी ट्रैफिकिंग बिल। ये एंटी ट्रैफिकिंग, मैंने आपको बताया था कि कोई भी बिल पास होता है अपने लोकसभा में, अभी चल रही है आपको बताया वहां पे मानसून सेशन, तो कुछ भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा तो मैं डिस्कस जरूर करूंगा। तो देखिए यहां पे क्या हुआ है कि लोकसभा के अंदर ट्रैफिकिंग ऑफ पर्संस, ठीक है, बिल 2018 पास हुआ है, जिसके अंदर क्या है कि प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन और साथ में रिहैबिलिटेशन, ये तीनों को के ऊपर काम किया जाएगा। देखिए आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन अपने देश के अंदर क्या होता है, जो ट्रैफिकिंग होती है ना इंसान की, किसी भी ह्यूमन की, वो अलाउ नहीं है, वो इल्लीगल है। तो उसी को लेकर 7 साल से लेकर 10 साल का वहां पे इंप्रिजमेंट दिया गया है, लाइफ इंप्रिजमेंट दिया गया है। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा काम करता हुआ पाया गया, बाउंडेड लेबर करता हुआ, बच्चे को ट्रैफिकिंग करता हुआ, केमिकल सब्सटेंस देता हुआ, ठीक है, या फिर कोई लाइफ थ्रेटनिंग काम कर रहा है कोई, जैसे कि किसी के एड्स है और वो किसी के साथ में, ठीक है, सेक्स करके उसको प्रमोट कर, मतलब पास ऑन कर रहा है, तो ऐसा कोई भी काम करता हुआ पाया गया तो वो ट्रैफिकिंग के अंदर इंक्लूड किया जाएगा और उसको फिर काफी सजा मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा किसी प्रॉपर्टी के अंदर किया जा रहा है, जिस प्रॉपर्टी के अंदर ऐसे काम किए जा रहे हैं ट्रैफिकिंग के, उस प्रॉपर्टी को भी सीज किया जाएगा। ओके, तो ये सब चीजें यहाँ पे करी गई है। इसके अलावा आपको पता नहीं होगा लेकिन हमारे देश के अंदर जो मैं बात करूं प्रोस्टिट्यूशन है वो लीगल है। ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन हमारे देश में लीगल है, इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी भी होती है, कई लोगों को लगता है नहीं है, कई लोगों को लगता है। देखिए हमारे यहाँ पे जो ट्रैफिकिंग होता है, जो फ्लैश ट्रेड होता है, जो पिंपिंग होते हैं, वो सब चीजें इलीगल है। लेकिन अगर, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कोई फीमेल है जो कि सोसाइटी से एक दायरे से दूर रहकर अगर सेल्फ अगर प्रोस्टिट्यूशन कर रही है अगर उसके जीवन व्यापन के लिए, तो ये हमारे देश में लीगल है। लेकिन अगर किसी केस के अंदर अगर वो पूरा ग्रुप बनाती है, फिर कोई बीच में पिंप है जो कि प्रमोट कर रहा है इस चीज को, तो ये सब चीजें इलीगल है हमारे देश के अंदर। ओके, और ऐसे हमारे नहीं, ऐसे बहुत देशों के अंदर ये सब लीगलाइज है और बस फ्लैश ट्रेड है जिसको रोका जाता है। तो यहाँ पे लोकसभा के अंदर कहा भी गया है, ओके, कि मेनका गांधी ने कहा भी है कि हम इस बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लोगों की सहूलियत के लिए, ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, ना कि जो सेक्स वर्कर्स हैं। ये देखिए यहाँ पे गांधी जी ने कहा है कि बिल वॉज नॉट इंटेंट टू हैरेस सेक्स वर्कर, हम सेक्स वर्कर को हैरेस नहीं करना चाहते हैं। गवर्नमेंट का जो वो है, जो मोटिव है, वो है कि हम ट्रैफिकिंग को रोके, विक्टम्स ना होने दे किसी को। ओके, तो ये यहाँ पे पूरी चीजें बताई गई है, जैसे कि आपने कमाटीपुरा जीबी रोड, ठीक है, यहाँ पे पास में देखा होगा। तो यहाँ पे कई सारी चीजें लीगली भी चल रही है, मैंने आप जैसे कि आपको बताया, लेकिन अगर कोई फोर्सली होता है, कोई ट्रैफिकिंग होती है, तो वहां पे इलीगल होती है। ओके, तो उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हुए होंगे इन चीजों को लेकर। मेरा फर्ज बनता है कि जो सोसाइटी में चल रहा है वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्या सही है वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर। इन्वेस्ट इंडिया एंड बिजनेस फ्रेंड्स साइन एमओयू टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्ट इंडिया क्या है, बिजनेस फ्रेंड्स क्या है, जिनके बीच में एमओयू साइन हुआ है, जिन्होंने प्रमोट किया है इन्वेस्टमेंट को, देखिए जान लेते हैं थोड़ा बहुत। इन दोनों के बीच में प्रमोशन हुआ है कि देश के स्टार्टअप जो है इंडिया के, फ्रांस के, उनको बढ़ावा मिले, प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो, एफडीआई को इंक्रीज किया जाए, इकोसिस्टम बनाया जाए बिजनेस को लेकर, ठीक है, जो ज्वाइंट एक्टिविटीज है, एक्सचेंज है, उन सबको काम किया जाए उन सब पे। इन्वेस्ट इंडिया क्या है कि नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है। ओके, अगर कोई देश में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस के तौर पर काम करने वाली एजेंसी है। ये ट्रांसफॉर्म करने पे काम करती है देश के इन्वेस्टमेंट के क्लाइमेट को लेकर, बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर। एज ए नॉन प्रॉफिट वेंचर इसको सेटअप किया गया था डीआईपीपी के द्वारा। डीआईपीपी का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है।
ठीक है। अभी इसके जो सीईओ और जो एमडी है वो है दीपक बंगला, दीपक बंगला जी जो कि सीईओ है इन्वेस्ट इंडिया के। तो ये सब चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। साथ में पीआईबी की एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, ग्लोबल डिसएबिलिटी समिट कहां पे हुआ है, लंदन के अंदर हुआ है। भारत से कौन रिप्रेजेंटेटिव गए हैं, थावरचंद गहलोत जी गए हैं। थावरचंद गहलोत जी ने अटेंड किया है ग्लोबल डिसएबिलिटी समिट 2018। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं डिसएबिलिटी समिट वाले वो सिविल सर्विसेज के अंदर आते हैं मेजरली, और वहां पे अगर आप दे रहे हैं जैसे कि आपका पीएससी का एग्जाम है या आपके सिविल सर्विसेज है तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो अपने यूनियन मिनिस्टर है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के, उन्होंने अटेंड किया है इस मीटिंग को। ठीक है, तो देश के अंदर जो डिसेबिलिटी के जो लोग हैं उनके डेवलपमेंट को लेके, उनके ऊपर काम करने को लेके, डिस्क्रिमिनेशन को लेके, जो सोशल स्टिग्मा है, जो भेदभाव है उसको मिटाने को लेकर ये काम कर रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है एज ए ह्यूमन कि अगर कोई भी डिसेबल है तो हम उनकी मदद करें और उनको मोटिवेट करें लाइफ में आगे बढ़ने को। देखिए मदद जो होती है, ठीक है, एक अच्छा एक हेल्प करना अलग चीज होती है, लेकिन किसी को सिंपैथी की नजर से देखना अलग चीज होती है। तो हमें जरूरत है कि हम किसी को सिंपैथी की नजर से ना देखते हुए उसको प्रमोट करें, उसको मोटिवेट करें कि वो लाइफ में कुछ ऐसा करें कि उसको कभी फिर किसी की सिंपैथी की जरूरत ही ना पड़े, समझ गए। तो मदद करना हमारा फर्ज बनता है, लेकिन किसी के तौर पे डिसेबल तौर पे सिंपैथी दिखाना या उसको नीचा दिखाना ये बिल्कुल भी सही नहीं होता। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ चलते हैं, जो कि ऑक्सीजन ने क्या किया है, फिन केयर के साथ में क्या किया है, एमओयू साइन किया है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है फिन केयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, ओके, ऑक्सीजन के साथ में क्या किया है, फिन केयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में। चलिए थोड़ा बहुत जान लेते हैं। एक्चुअली में ये जो न्यूज फेमस क्यों है, क्योंकि जो ब्रांड एम्बेसडर है वो ग्रैंड मास्टर अपने जो विश्वनाथन आनंद है वो है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो उन्होंने फर्स्ट एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करी है और साथ में उन्होंने ऑक्सीजन के साथ में पार्टनरशिप भी करी है। तो आपकी जो बैंकिंग का एग्जाम है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या एक माइक्रो एटीएम सुपर पीओएस की तरह काम करता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है कि जो रामचंद्र गुहा जी है उन्होंने बुक लिखी है गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड 1914 टू 1948। ओके, तो यानी कि भारत के अंदर जब वो आए थे वो वाले साल है ये। उसके बाद में रामचंद्र गुहा जी ने गांधी जी के ऊपर ये पूरी की पूरी किताब पैन डाउन करी है। बहुत बड़े हिस्टोरियन है, ऑथर है, कई सारे बेस्ट सेलिंग किताबें हैं इनकी, रामचंद्र गुहा जी की बहुत फेमस है। अगर किसी को हिस्ट्री पढ़ने का शौक है ना तो आप रामचंद्र गुहा जी की किताब पढ़ सकते हैं, आपको काफी मजा आएगा। इसके अलावा इन्होंने बायोग्राफी भी गांधी जी की पूरी की पूरी पैन डाउन करी है। ओके, रिसेंटली द इंग्लिश पेशेंट नाम से जो किताब है जो कि काफी न्यूज में थी, जिन्होंने मैन बुकर प्राइज भी जीता था। ओके, वो उसके राइटर कौन है, मिशेल है। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये भी लिटरेचर से रिलेटेड न्यूज है इसलिए मैंने आपके साथ में डिस्कस करी है। ठीक है, तो इंग्लिश पेशेंट पेपर में पूछेंगे कौन है राइटर, कौन सा किताब मिला है, किसको मिला है, ये सब। चलिए बिजनेस स्टैंडर्ड की देखते हैं, जो कि KTDC लॉन्चेस कंट्रीज फर्स्ट स्टेट रन ऑल वुमेन होटल। तो KTDC ने क्या किया है, ऑल वुमेन होटल, यानी कि पूरी की पूरी वुमेन है जो कि इस होटल को संभालेगी। जैसे कि स्टेशन पे काम हो रहा है, आपको पता है कि गांधीनगर रेलवे स्टेशन है जयपुर के अंदर, वो पूरा का पूरा मेन लाइन, देश का पहला मेन लाइन रेलवे स्टेशन है जो कि पूरा का पूरा वुमेन के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। वैसे माटुंगा का नाम आपने सुना होगा, माटुंगा रेलवे स्टेशन जो कि सब अर्बन रेलवे स्टेशन है, जो भी पूरा का पूरा वुमेन के द्वारा टैकल किया जा रहा है। तो वैसे ही ऑल वुमेन होटल किया गया है KTDC के द्वारा। ठीक है, अब KTDC का मतलब समझते ना आप, RTDC का मतलब राजस्थान टूरिज्म हो गया, KTDC का मतलब केरला टूरिज्म हो गया। ओके, तो होटल का नेम है हॉस्ट्रेस, होटल का नेम है हॉस्ट्रेस नाम से लॉन्च किया गया है। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, केरला टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसके अंदर पूरा का पूरा एंटायरली वुमेन इसको कोऑर्डिनेट करेगी और ये देश के अंदर पहला है। ठीक है, साथ में गाइज मैं आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ आज, वो है आपकी एक रिवर को लेकर। देखिए कुछ ना कुछ अलग अपन करते रहेंगे, किसी दिन स्टेट के बारे में पढ़ लिया, किसी दिन अपन ने रिवर के बारे में पढ़ लिया, किसी दिन अपन ने किसी डैम के बारे में पढ़ लिया, तो कुछ ना कुछ अलग अपन थोड़ा सा पढ़ते रहेंगे ताकि अपनी नॉलेज और इंप्रूव होती रहे। तो देखिए आज अपन डिस्कस करने वाले हैं महानदी के बारे में, महानदी का जो ओरिजिन है वो कहां से होता है। ठीक है, धमतरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ओके, तो ये शिहावा टाउन है वहां से इसका ओरिजिन है। इसके अलावा लेंथ इसकी 851 किलोमीटर के। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिब्यूटरीज हैं, यहाँ पे सोनाथ है, जोंग है, मांड है और हैसडीओ है, ये सारे के सारे टैल ओंग। डैम बड़ा इंपॉर्टेंट है, हीराकुंड है जो कि उड़ीसा के अंदर है। ड्रेनेज कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल है। और डिस्प्यूट है किसको लेकर, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को लेकर इसमें डिस्प्यूट है। यहाँ देख सकते हैं कई सारे इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, यहाँ दिख रही है ना आपको छोटी छोटी सी, ये सब ये रही महानदी, इस तरीके से इसका पूरा शोर है। और उड़ीसा के अंदर आपको पता है चिलिका लेक भी है और इस तरीके से बे ऑफ बंगाल में चली जाती है।
ठीक है। चलिए गाइस एक और देखते हैं, फैन फिक्ट फैक्ट विद वाईफाई स्टडी। मैंने आपको बताया था कुछ इंटरेस्टिंग अपन पढ़ते रहेंगे, जैसे कि मैंने आपको फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस के बारे में बताया था, आज हम कुंभ मेला के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है गाइस, 2011 में जब कुंभ मेला हुआ था ना, तो ये दुनिया का लार्जेस्ट गैदरिंग प्लेस थे, ओवर 75 मिलियन पिलग्रिम्स, यानी कि इतने जो 75 मिलियन का मतलब हो गया 7.5 करोड़ लोग एक साथ एक जगह के ऊपर। तो स्पेस से जब इसकी फोटो ली गई ना, तो ये देखिए इस तरीके से आपको दिखी है, मतलब स्पेस से भी गैदरिंग जो है वो नजर आ रही थी। ठीक है, तो दुनिया में सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग कहां पे होती है, कहां पे हुई है, वो अपना कुंभ मेला ही है। ओके, तो आप देख सकते हैं इतने लोग एक साथ कुंभ मेला के अंदर गए थे, आप देख सकते हैं ना यहाँ पे स्पेस से किस तरीके की फोटो है। ठीक है, तो ये देखिए काफी एक अच्छी इमेज थी जो कि मैंने आपके साथ में शेयर करी है, उम्मीद है कि आपको काफी काम आएगी और काफी मजा भी आया होगा जान के। चलिए गाइस, ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जिसके अंदर हमने काफी कुछ डिस्कस किया, काफी नॉलेज आपको मिली होगी, काफी कुछ आपने नया सीखा होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं इंडिया के अंदर, तो आप वाईफिस्टडी ऐप पे जाके या फिर वेब पे जाके आप टेस्ट सीरीज वहां से ले सकते हैं, जिससे आपको काफी अच्छी प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। रेलवे का जो क्रैश कोर्स है वो चल ही रहा है, 9:40 से स्टार्ट होता है आपके लिए। इसके अलावा अगर आपको उत्तर प्रदेश के जो वीडियो की, अगर आपके उत्तर प्रदेश की स्पेशल जीके पढ़नी है, तो आपको शाम में 6 बजे आई गेस क्लास चल रही, तो वो भी आप कर सकते हैं। पहले दिन में 3 बजे थी, अभी 6 बजे के आसपास है, तो वो भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 6 बजे अपनी इंपॉर्टेंट क्लास होती है पॉलिटी की, तो उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटी का डिस्कशन अपन कर रहे हैं आज। अपन पार्ट 10th और पार्ट 15 जो इलेक्शन है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उस क्लास को भी जरूर ज्वाइन करिए। चलिए, जानने से पहले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देके जा रहा हूं, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहला है, हॉस्टेस नामक होटल किस राज्य द्वारा शुरू किया जाएगा? तो एक हॉस्टेस नाम का होटल है, तो ये कौन से राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है इसको, वो आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके सामने है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गांधी द ईयर द चेंज द वर्ल्ड 1914 to 1948 किसके द्वारा लिखी गई है? रामचंद्र गुहा, रामानंदन गुहा, करणवीर सिंह या फिर चेतन भगत। 4 ऑप्शंस आपके सामने है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाउ मेनी पीपल वर अवॉर्डेड विद परमवीर चक्र? परमवीर चक्र से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है अब तक? 21, 22, 23, 24। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने है, चलते हैं अगले की तरफ। विच डे सेलिब्रेटेड एज ए कारगिल डे? कारगिल दिवस के तौर पे कौन सा दिन मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने है, 25 जुलाई, 26 जुलाई, 20 जुलाई, 24 जुलाई। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि है ग्लोबल डिसेबिलिटी समिट 2018 वाज हेल्ड इन? तो वैश्विक विकलांगता शिखर सम्मेलन 2018 कौन से शहर में आयोजित किया गया था, किया गया है ये आपको बताना है। लंदन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। ओके, 3 तो देशों के नाम है, 1 सिटी का नाम है, तो आप इजीली पता कर ही सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल सवाल नहीं है। ओके, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका कि कौन सा युद्ध बहादुर पुरस्कार नहीं है, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड नहीं है? Which one of wins not the wartime gallantry award? तो मैंने आपको बताया था कि कुछ एक wartime gallantry award होते हैं, कुछ time peace time voluntary awards होते हैं, gallantry awards होते हैं। ठीक है, तो wartime वाले और peace time वाले दो, तो मैंने आपको दोनों बताया भी थे, तो आपका revision हो जाएगा इससे। 6 वाले के जो options है वो मैं आपको बता देता हूँ, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और अशोक चक्र। कई सारे ऐसे स्टूडेंट भी अपने जो कि देख नहीं सकते हैं, सुन सकते हैं, तो उनके लिए ये जो ऑप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। अगला है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड को लेकर, शांति बहादुर पुरस्कार कौन सा नहीं है, जो कि ऑप्शन है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र या फिर वीर चक्र। आपको इसमें से एक ऑप्शन देना है, जीवन में आगे से आप नहीं भूलोगे इन दोनों के बारे में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। रोमन मैग्सेसे अवार्ड 58-59 में किस भारतीय को मिला था? ठीक है, विनोबा भावे, पंडित नेहरू, गांधी जी, नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन है आपके। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका कि सीईओ ऑफ इन्वेस्ट इंडिया कौन है? ठीक है, निवेश भारत के सीईओ कौन है? दीपक बांग्ला, अशोक शर्मा, रजनीश कुमार और ठीक है विजेंद्र शौरन। ये 9, 4 ऑप्शन है आपके। और अगला क्वेश्चन है आपका, हीराकुंड डैम इज मेड ऑन विच रिवर? तो हीराकुंड डैम है, कुंड आएगा, ये बी नहीं है, के आएगा इसकी जगह। ठीक है, छोटी मोटी यार चीजें देख लिया करो, मुझे पता है बी की जगह के क्यों आया, के आना चाहिए था, इसके लेकर भी कमेंट आ जाएंगे बहुत सारे, सर गलती हो गई है ऐसे ऐसे। चलो कोई बात नहीं, लेकिन चलता रहता है, हीराकुंड है वो, एक्चुअली ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बाकी छोटी मोटी अगर अपनी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने घर की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गाइस, ये था आपका आज का अपना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज अपन ने डिस्कस करी है।
चलिए आज के लिए इतना ही, कल वापस मिलेंगे सेम टाइम पे सेम प्लेस पे। इसके अलावा वोकैबुलरी क्लास है अपनी 9:45, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद में क्रैश कोर्स अपन स्टार्ट करेंगे 9:40 से। चलिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।